सुघोषित संस्कारियों का बिना पूछे संस्कार पर प्रवचन देना तो उनके नशा करने का शौक बन चुका है। वो इस हद तक नशा नहीं करते, उनको बस अपने आप को चमकाने के लिए संस्कार पर और कपड़ों पर प्रवचन देना उनका पसंदीदा शौक है ही। इस क्रम में बीजेपी तो पहले से जानी ही जाती थी, लेकिन उसके नए सीएम, उसके उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत तो सबसे आगे निकल गए। इन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी हैं। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गम्बूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? अरे जब हम कभी विद्यालय में पढ़ते थे। जिसके जवाब में पलटवार करते हुए कांग्रेस के महासचिव और नेशनल मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और बीजेपी के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, उन्हें हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी चाहिए। आगे क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चेहरा, बेटी विरोधी चेहरा आए दिन उजागर होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने तो हद ही कर डाली। कभी उन्हें बेटियों के द्वारा रिप्ड जीन्स पहनने पर एतराज है, और कभी हाफ कट में उन्हें उत्तराखंड और चंडीगढ़ और देश की बेटियों की का शरीर नजर आता है। ये दोष बेटियों में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, ये दोष आपकी मानसिकता में है। कभी आदित्यनाथ जी को महिलाओं को संरक्षण देने के लिए पुरुष चाहिए, कभी मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो निर्वस्त्र घूमिए, कभी संघ के लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और तीरथ सिंह रावत जी ने तो हद ही कर डाली। उनका काम सरकार चलाना है या हिंदुस्तान की बेटियों के शरीर पर ताक झांक करना? ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दीजिए पद से, या कान पकड़कर माफी मांगिए। दुर्भाग्य ये है, जिस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर चुनावी सभा में महिलाओं की बेइज्जती करते हों, तो उनके मुख्यमंत्री तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे ही। हम मांग करते हैं देश की बेटियों की ओर से, देश की महिलाओं की ओर से, कि ऐसे मुख्यमंत्री को या कान पकड़कर माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें, क्योंकि ये मानसिकता अब नहीं चलेगी। 16वीं सदी के लोगों को 21वीं सदी में हिंदुस्तान पर शासन करने का अधिकार नहीं, उन्हें चलता करना पड़ेगा। यही राष्ट्रभक्ति है। धन्यवाद।